दोस्तों, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, सपने सपने होते हैं। और जब हम किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए हमें कभी कभी छोटे छोटे सपनों को पूरा करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी एक सपना था अपने विद्यालय के लिए, अपने स्कूल के लिए एक सॉफ्ट बोर्ड बनाने का, जो अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाता है। मैं जब भी किसी प्राइवेट स्कूल में विज़िट करती थी, तो वहाँ के डेकोरेटिव सॉफ्ट बोर्ड्स को देखकर मेरे भी मन में एक ख्याल आता था कि काश ऐसे सॉफ्ट बोर्ड्स मेरे स्कूल में भी होते, मेरे भी बच्चों के लिए ऐसे सॉफ्ट बोर्ड होते तो कितना अच्छा होता। तो ये एक छोटी सी सोच, छोटा सा सपना मेरे स्कूल के लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरे मन में जागा था। मैंने इच्छा भी जताई थी कि आखिर मैं इस सपने को कैसे पूरा कर सकती हूँ। शायद कहीं ना कहीं जब आप किसी अच्छे मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो शायद भगवान भी आपकी इसमें सहायता करते हैं। कुछ समय तक तो ये सोच मेरे दिमाग में चलती रही। फिर एक दिन ती फाउंडेशन की टीम ने मेरे विद्यालय में विज़िट किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सॉफ्ट बोर्ड्स मेरे स्कूल में भिजवाए, तो उसमें से एक ग्रीन बोर्ड था, एक वाइट बोर्ड था। तो जैसे ही मैंने बोर्ड को देखा, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। बोर्ड तो आ चुका था स्कूल में, बोर्ड तो मुझे मिल चुका था। अब शर्त थी उसे इंस्टॉल करने की और फिर उसे डेकोरेट करने की। फिर मैंने भारती फाउंडेशन के हीरा पाठक सर की मदद से उसे इंस्टॉल किया अपने क्लासरूम में। और अब मुझे कुछ चीज़ें, स्टेशनरी के सामान चाहिए थे उसे डेकोरेट करने के लिए। तो वो चीज़ें मैंने कहाँ से इकट्ठा किया, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे काम किया, ये मैं आपको बताऊंगी। बिना एक रुपए खर्च किए, जी हाँ, प्राइवेट स्कूल्स में सभी बच्चों के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती। तो कोई भी प्रोजेक्ट वर्क्स जब उन्हें दिया जाता है, तो उन्हें कोई भी मुसीबत नहीं आती, वो आसानी से प्रोजेक्ट वर्क्स कर लेते हैं, अपने स्कूल के सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेशन में मदद कर सकते हैं। लेकिन हम अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो हमारी किसी भी तरह की मदद करेंगे या फिर वो कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करके स्कूल में लाएंगे। तो मैंने ऐसी हालत में क्या स्टेप्स लिए अपने सॉफ्ट बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने आसपास के सभी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया और उनसे कहा कि जो भी उनके पास यूज़लेस और ओल्ड प्रोजेक्ट वर्क्स हैं, वो मुझे लाकर दे दें। इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने भी मेरी इसमें बहुत मदद की। उन्होंने भी जो भी यूज़लेस प्रोजेक्ट्स उनके पास पड़े हुए थे, उन्होंने मुझे लाकर खुशी खुशी दे दी। तो किसी भी चार्ट पेपर में दो पार्ट अवेलेबल होते हैं। पहले पार्ट में वो काम कर चुके थे, मैंने उसके पीछे वाले पोर्शन में जो खाली पड़ा हुआ था उस पे काम करना स्टार्ट किया, अपने बच्चों की मदद ली। बच्चों ने भी बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही एक्साइटमेंट था उनके अंदर इस पे काम करने का और सॉफ्ट बोर्ड को डेकोरेट करने का, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सॉफ्ट बोर्ड को डेकोरेट करने में मेरी मदद की। मैंने बस उन्हें समझाया कि किस तरीके से आप अपने सॉफ्ट बोर्ड को डेकोरेट कर सकते हो। उन्होंने बहुत ही आसानी से इस सॉफ्ट बोर्ड को डेकोरेट किया और बहुत ही ये सुंदर दिख रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और मेरा क्लास भी सॉफ्ट बोर्ड के लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा था। मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि ये छोटा सा सपना था मगर ये पूरा हो चुका था। तो इस प्रकार मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में अपने स्कूल के लिए सॉफ्ट बोर्ड को डेकोरेट किया। तो उस दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा ये छोटा सा सपना था जो मैंने अपने स्कूल के लिए देखा था, अपने बच्चों के लिए देखा था, वो उस दिन पूरा हो चुका था। और जो भी उस बोर्ड को देख रहा था, वो बहुत ही तारीफ़ करके जा रहा था। मेरे स्कूल की प्रिंसिपल भी उस दिन बहुत खुश थी उस बोर्ड को देखकर, क्योंकि मेरे क्लासरूम में सॉफ्ट बोर्ड लगने के बाद मेरे क्लासरूम की रौनक ही बदल गई थी। सारे बच्चे भी बहुत खुश थे और भारती फाउंडेशन की टीम जब वहाँ विज़िट की, जब उन्होंने मेरे बोर्ड को देखा, तो उन्होंने भी इस बोर्ड की बहुत तारीफ़ की थी। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि सपने ज़रूर देखें और उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आपका सपना किसी अच्छे मकसद से जुड़ा हुआ होता है ना, तो
तो आसपास ऑटोमेटिक कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं जो आपको आपके सपने को पूरा करने की तरफ लेकर चली जाती हैं, और वो सपना आपका एक दिन हकीकत में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए किसी अच्छे मकसद से जुड़ा हुआ सपना हमें ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए।